तय समय पर हमेशा आते रहे, उनसे पहले परिणाम आएगा। ये जो आज की हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, इसका मेन उद्देश्य है कि जो हमने अभी फरवरी मार्च में परीक्षाओं का संचालन जो किया था, उसके बाद पिछले समय में, पिछले गत वर्षों में कुछ डाटाज हमारे पास सर, अब के डाटाज, तो इनको हमने कंपैरिजन करके ये बताने हम प्रयास कर रहे हैं आपको कि तथ्य क्या है और किस तरह से गुणात्मक सुधार परीक्षाओं के दौरान हुआ है। यूएमसीज का आप देखेंगे, जो मैंने एक डाटाज आपको पहले बता दिया यूएमसीज का, तो साथ में पेपर कैंसलेशन का अगर इसको भी हम देखें, 2019 में 109 जगह पेपर कैंसिल हुए थे, 109 सेंटर्स। उसके बाद 2022 में 63 सेंटर्स पर ये कैंसिल हुए थे, लेकिन जैसे ही हमने अल्फा न्यूमेरिक कोड और क्यूआर कोड लगाए, उसके बाद मात्र ये फिगर 40 पर आ गया और इस बार ये पेपर कैंसिलेशन का मात्र 31 जगह पर पेपर कैंसिल। तो फिर इसी से पता लगता है, क्योंकि पेपर आउट बंद होने बंद हुए और जहां पर हुए तो तुरंत 100% हमने जाकर परीक्षा के दौरान ही उसी सेंटर पर उसी बच्चे को और फोटो खींचने वाले को भी पकड़ा। और ये बोर्ड द्वारा जो इनोवेशन, जो नवाचार लागू किया गया था अल्फा न्यूमेरिक और क्यूआर कोड के और हिडन फीचर्स के संदर्भ में, आप देख सकते हैं उसके सकारात्मक परिणाम जो है देखने को आपको मिलेंगे। और साथ में ही अब हमें मीडिया के अंदर वो छतों पे चढ़े हुए लोग, दीवारों पे चढ़े हुए, खिड़कियों पे चढ़े हुए, ऐसे फोटोज भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो इससे बड़ा स्पष्ट है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने नकल पर एक तरह से पूर्णतः रोक लगा दी गई है। देखिए, हमारे यूएमसी कमेटी है और अलग अलग तरह से पूर्णतः जांच छान कर ये प्रोविजन है कि जिस तरह से कमेटी के मेंबर डिसाइड करेंगे, तो उस तरह से क्या तो उसका पेपर कैंसिल किया जा सकता है, उसके सारे परीक्षाएं रद्द की जा सकती हैं, उसको 3 साल के लिए डिबेर किया जा सकता है, या उसको बेनिफिट ऑफ डाउट भी दिया जा सकता है। तो हर एक बच्चे के केस को स्टडी करने के बाद यूएमसी कमेटी अपने निर्णय पर पहुंचती। अच्छा सवाल है, देखिए मार्किंग का, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ओवरऑल कुछ एक अमाउंट अगर इसका बढ़ जाता है तो वो हाई पावर परचेज कमेटी में चला जाता है। तो ये जब हाई पावर परचेज कमेटी के पास हमने भेजा, तो आपको सबको पता है प्रदेश में एक परिस्थिति ऐसी आई थी, कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी हमारी कि माननीय मुख्यमंत्री जो है बदल गए उस टाइम पर, हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक नहीं हो पाई और उसके पश्चात मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, जिसकी वजह से फाइल डिले हो गई। तो हमने उसके बाद तुरंत इसे मैन्युअली कराने का जो है डिसीजन लिया और बहुत जल्दी मैं आपको बता सकता हूं पहले से भी पहले परिणाम आएगा इसका, समय से पहले, जो तय समय पर हमेशा आते रहे उनसे पहले परिणाम आएगा।